विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, आधुनिक भारत के स्वप्नदृष्टा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, गुजरात के सम्माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, भारत सरकार के न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड कंज्यूमर्स अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी जी, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री तथा प्रदेश के अध्यक्ष श्री सी आर पाटिल जी, भारत सरकार के न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री श्रीपाद नायक जी, आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी, गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी, डेनमार्क के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर श्री मार्टिन बोर्स्को, जर्मन के मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट सुश्री श्रेनिया सुलजे, विश्व के विविध राष्ट्रों तथा देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पधारे हुए सभी महानुभाव, प्रेस मीडिया के मित्र, भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का गुजरात की धरती पर इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इंस्पायर की थीम पर आयोजित फोर्थ आरी इन्वेस्टमेंट समिट के अवसर पर हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं। हमारा सौभाग्य है कि हमें प्रधानमंत्री जी के रूप में ऐसे विजनरी लीडर मिले हैं जो हमेशा समय के दो कदम आगे की ही सोच रखते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय श्री नरेंद्र भाई ने राज्य के विकास की नींव जल शक्ति, जनशक्ति, ऊर्जा शक्ति, ज्ञान शक्ति और रक्षा शक्ति के विजन के साथ रखी थी। जब विश्व में क्लाइमेट चेंज को लेकर सिर्फ बातें हो रही थी, तब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर देश का पहला क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट शुरू किया था। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में ही गुजरात के चारणका में देश के पहले सोलर प्लांट की स्थापना कर दी थी। गुजरात का मोढ़ेरा विलेज प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश का पहला सोलर विलेज बना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के मार्गदर्शन में गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक लीडिंग स्टेट रहा है। उनकी प्रेरणा से गुजरात देश में विंड एनर्जी प्रोडक्शन में पहला और सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में दूसरे स्थान पर है। कच्छ के खावड़ा में 30 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी का सोलर विल्ड हाइब्रिड एनर्जी पार्क तेजी से विकसित हो रहा है। राज्य में 50,000 से अधिक मेगावाट इंस्टॉल एनर्जी कैपेसिटी में रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान 54% का है। सोलर रूफटॉप इंस्टॉल में गुजरात देश में सबसे आगे है। गुजरात की रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी तथा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी ग्रीन फ्यूचर के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है। इस प्रतिबद्धता को चरितार्थ करने की दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वाइब्रेंट समिट 2024 में राज्य के महत्वाकांक्षी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की घोषणा भी की गई है। हमारा लक्ष्य 3 MMTPA उत्पादन का है, जिसके माध्यम से गुजरात ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का भी हब बनेगा। गुजरात के पास देश का सबसे लंबा समुद्र तट है। राज्य के इस समुद्र तट पर 32 से 35 गीगावाट ऑफशोर विंड एनर्जी उत्पादन की संभावना है। इतना ही नहीं, हमें ऊर्जा संग्रहण के भारत सरकार के ध्येय को परिपूर्ण करने के लिए गुजरात में 50 स्पॉट आइडेंटिफाई कर लिया है, जहां पंप हाइड्रो स्टोरेज के प्रोजेक्ट की संभावना है। गुजरात में मौजूदा विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक फैसिलिटीज तथा बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी के कारण आज देश में ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए गुजरात मोस्ट प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बन गया है।
प्रधानमंत्री जी के दूरंदेशी मार्गदर्शन में भारत अब ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, ऑफशोर विंड एनर्जी और एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन के माध्यम से 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने की और मजबूती से आगे बढ़ रहा है। देश का ग्रोथ इंजन गुजरात हमेशा प्रधानमंत्री जी के विजन और लक्ष्य को साकार करने में अग्रेसर रहा है। प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए 2070 तक नेट जीरो और 2030 तक मिशन 100 गीगावाट की लक्ष्य पूर्ति में गुजरात भी अपना अग्रिम योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। रिन्यूएबल एनर्जी का लाभ देश के गरीब मध्यम वर्ग को मिले, इस पर भी प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया है। देश का गरीब मध्यम वर्ग भी सौर्य ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बने, इस उद्देश्य से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लागू किया है। इस योजना में पूरे देश में गुजरात 50% से ज्यादा का योगदान दे रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी की शताब्दी 2047 तक ऊर्जा आत्मनिर्भरता का विजन दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के कार्य मंत्र के साथ हम एनर्जी क्षेत्र में आत्मनिर्भर के लिए रिन्यूएबल एनर्जी एफोर्डेबल, एक्सेसिबल और स्केलेबल बना सकते हैं। आइए हम सब साथ मिलकर एक ग्रीन, सस्टेनेबल और उज्जवल भविष्य के निर्माण में सहयोग दें। एक बार फिर गुजरात में इस समिट के आयोजन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी तथा भारत सरकार का आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात।